अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे और तमाम परेशानियों से बचाए। आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं और मुझे, मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखें। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलती हूँ इंडियन हैदराबादी वेडिंग में। ये है दुल्हन का जहेज और आप देख रहे होंगे कि ये बेड है और ये जो है शोकेस जिसमें आप सारी क्रॉकरी रख सकते हो अपनी, और ये है ड्रेसर, ड्रेसिंग टेबल, और ये अलमारी है, और इसके साथ आप ये देख रहे होंगे ये है इंडिया में, हैदराबाद में इसे मैलेदान कहते हैं, यानी कि जो आपके डर्टी क्लोथ्स होते हैं वो उसमें जाते हैं। और ये फ्रिज है, और ये वॉशिंग मशीन, और इसके साथ है कूलर, इसके बराबर में है एयर कूलर। और बेटियों की शादी कुछ अलग होती है, उसमें माँ बाप के बहुत सारे ख्वाब जुड़े होते हैं। हर कोई अपने स्टेटस के मुताबिक शादी करता है, कोई हाई प्रोफाइल शादी करता है तो फिर कोई लो बजट प्रोफाइल शादी करता है, और हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छी चीज़ अपनी बेटी को दे। शादी एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है माँ बाप के लिए, बेटी के लिए। आप जो बेटी को पैदा करते हो वो दूसरों के हवाले करनी होती है। अल्लाह ताला हर बेटी के किस्मत अच्छे बनाए और उनकी राह में खुशियाँ ही खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। शादी के घर का मज़ा ही अलग होता है, वो धूम, वो रौनक, रिलेटिव्स आते हैं और घरों में लाइट्स यानी बाहर जो है लाइटिंग्स लगती हैं। और यहाँ पे आप देखिए जितना भी जो भी सामान है वो दुल्हन को दिया जाता है। हैदराबाद में जहेज काफ़ी जाता है, एसी जाता है, टीवी जाता है, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा सेट, माइक्रोवेव, यहाँ तक कि बाइक और कार भी जहेज में जाती है। ये जो बेड पे है इसको हमारे पास मच्छरदान कहते हैं, पता नहीं आपके पास क्या कहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और बेड पे भी जो सामान जाता है, यानी कि मैट्रेस हो गई, कंफर्टर हो गया, उसकी बेडिंग हो गई, उसकी शीट्स हो गए, ये भी सारा कुछ इसके साथ, यानी ये पैकेज होता है, आपको उसमें मिल जाता है। और ये जो है ये अभी दुल्हन के घर में है, ये जाएगा दूल्हे वालों के पास। हमारे पास हैदराबाद में ऐसा होता है कि ना, जो मेहंदी का यानी कि मायो और मेहंदी का दिन जो होता है हैदराबाद में, इसको सांचोकर मेहंदी कहते हैं, तो वो दिन सारा कुछ सामान है दुल्हन का, जो भी जहेज का सामान है वो जाता है दूल्हे वालों के पास। यानी शादी से निकले से एक दो दिन पहले तो सामान चला जाता है, क्योंकि उनको भी वहाँ पे अपने घर में एडजस्ट करना होता है, और फिर सामान जो है बेड वे सारा कुछ डेकोरेट भी करना होता है, तो ये उस दिन जाता है। और ये जो दुल्हन के कपड़े हैं इसमें सारा कुछ है, इसमें साड़ीज़ भी है, इसमें ड्रेसेस भी है, सूट्स है, शलवार कमीज़ है, नाइटीज़ है, और बहुत सारे यानी कि हर चीज़ जो आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ के, वो भी कपड़े होते हैं, डेली वेयर के भी होते हैं और फिर फैंसी भी होते हैं। और यहाँ देखिए ये क्रॉकरी भी है, ये भी क्रॉकरी भी जाती है डिफरेंट, कोई फाइबर की भी देता है इसमें, इसके साथ यानी जो कांच की जो होती है, उसके अलावा भी लोग फाइबर की भी देते हैं, स्टील की भी देते हैं, यानी डिफरेंट वैरायटी के भी देते हैं इसमें। हैदराबाद के हाथ के जोड़े बहुत मशहूर है, तो वो भी हाथ के जोड़े भी जाते हैं, बैंगल्स भी जाते हैं, सब जाते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फर्नीचर जो है सारा कुछ पैक है, अनपैक नहीं किया हुआ है, प्लास्टिक उसके ऊपर रैप है सारी कुछ लगी हुई, क्योंकि अब ये दूल्हे वालों के पास जब जाएगा तो वहाँ पे ही वो सारा कुछ इसको अनरैप करेंगे। हैदराबाद में फर्नीचर्स के बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको हर स्टोर्स में डिफरेंट वैरायटीज मिल जाएंगे, और कस्टमाइज भी कर सकते हो आप उसको, कलर्स आपको ये कलर नहीं चाहिए, कोई दूसरा कलर भी ले सकते हो, या आप अपने खुद के पैटर्न्स बता सकते हो। आप भी मुझे बताएं कि आपके पास जहेज देते हो और कब जाता है जहेज दूल्हे वालों के पास, मुझे ये ज़रूर बताएं। आज का वीडियो इतना ही था, बस मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि दुल्हन का जहेज सामान कैसा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ।